ज्यादा रेतावासी 50 सरकावासी पीपा पुल के जगह पर पक्का पुल के लिए मांग कर रहे हैं। अगर सरकार पीपा पुल के जगह 500 मीटर की दूरी में अगर पक्का पुल बंधवा रही है तो पूरा रेतावासियों का दुख हमेशा के लिए करीब 14-15 गाड़ी छोटी सी नाव पर लादी गई है। यहाँ पर रेस्क्यू टीम ऑलरेडी होनी चाहिए। कब कौन सा हादसा हो सकता है कोई? ये देखिए कितना ढलान हो चुका है। एक महीना पहले ध्वस्त हो चुका था जिस कारण वहाँ पर नाव चल रहा है और नाव पर जाने के लिए 5 जगह पानी लग चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर खराब हो गई बात। बाकी हमारा विधायक जी तो बात के सब लोग प्रधान हमारे हीरामन प्रधान जी भी कहे हैं और आम जनता भी कहे हैं। बाकी हमारे नमस्कार मित्रों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं भैंसहा घाट जहां पर ठोकर नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं जहां पर पीपा पुल ऑलरेडी लगा हुआ है। ये करीब 500 मीटर की दूरी है जहां पर नदी बहता है और वहीं पर पूरा रेतावासी 50 सरकावासी पीपा पुल के जगह पर पक्का पुल के लिए मांग कर रहे हैं। अगर सरकार पीपा पुल के जगह 500 मीटर की दूरी में अगर पक्का पुल बंधवा रही है तो पूरा रेतावासियों का दुख हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यही 500 मीटर जो दूरी दिख रहा है यही पक्का पुल बनवाने के लिए मांग हो रहा है। अभी मैं आगे के भी दृश्य आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस समय लोग किस तरह से आ रहे हैं जा रहे हैं। नाव पर बैठ रहे हैं करीब 14-15 गाड़ी लाद रहे हैं नाव वाले। यहाँ पर सबसे पहले तो रेस्क्यू टीम होना चाहिए। यहाँ पर जब तक रेस्क्यू टीम नहीं होगी, मान लीजिए अगर एक नाव पर 14-15 गाड़ी जब लदा रहा है अगर अचानक से कोई हादसा हो रहा है तो कौन बचाएगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? रेस्क्यू टीम रहेगी तो तुरंत वहाँ पर बचाव दल कार्य चालू किया जाएगा। फाइनली मैं अभी आगे का दृश्य दिखाऊंगा कितना कठिन स्थिति से लोग जा रहे हैं नाव पर और अपने घर तक किस तरह स्थिति में जा रहे हैं। फाइनली मैं दिखाऊंगा जरूर, आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं गाड़ी और आप लोगों को आगे के दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कब हम दो पीपा पुल के बीच के दूरी में 5 जगह पानी लग चुका है। एक उधर दिखाइए, एक जगह वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इधर दिखाइए, एक जगह यहाँ पर देख सकते हैं करीब ठेंगुना भर पानी लगा हुआ है। कितना कठिन स्थिति से रेतावासी जा रहे हैं, आदान प्रदान अपना कर रहे हैं दो पीपे पुल के बीच के दूरी में। एक पीपा पुल अभी ठीक है मगर दूसरा पीपा पुल एक महीना पहले ध्वस्त हो चुका था जिस कारण वहाँ पर नाव चल रहा है और नाव पर जाने के लिए 5 जगह पानी लग चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से लोग आ रहे हैं। जूम कर लीजिए, जूम करके दिखाइए। आगे की और दृश्य हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, वीडियो में बने रहिए। हम दोस्तों बात करना चाहेंगे यहाँ से जो लोग नाव पर बैठे हैं नदी के बीचों बीच में नाव चल रही है, इसमें हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये हैं विजय भैया, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या आप चाहते हैं यहाँ पर? क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो भाई अब यहाँ पर कोई भी अब व्यवस्था हो। अच्छा ये बताइए जो अभी पीपा पुल लगा है कितना दिन से ध्वस्त है? ये तो ढेर दिन से खत्म हो गया है, दो ढाई महीने से। हाँ जबकि चल सकता था। हाँ तो आप लोग शिकायत किए हैं विधायक जी से? हाँ अभी तो शिकायत कर रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहा है। विधायक जी सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? आप कुछ बोलना चाहेंगे सरकार से? हाँ ये महाराज हम सुना जाता नहीं, 2 महीना से टीपा पुल खराब हो गई बा। बाकी हमारा विधायक जी तो बात के सब लोग प्रधान हमारे हीरामन प्रधान जी भी कहे हैं और आम जनता भी कहे हैं। बाकी हमारे हीरामन प्रधान जी के भी बात नहीं माने हैं विधायक जी की। हाँ चलिए
दो महीना चाहे तीन महीना टीपा पुल चलेगा तो इसको बनवाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यही पीपा पुल है जो कि इतना ही दूरी ध्वस्त हुआ है, मात्र इतना ही दूरी। पांच लग गया तो हो जाएगा, चार टिप्पल लग गया होता है यहाँ पर। तो अभी कम से दो महीना पीपा पुल ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पर बच्चों का भविष्य सिर्फ यहाँ के लापरवाही की वजह से, कुछ अधिकारियों के लापरवाही की वजह से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। सही है, हम युवाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए भैया क्या चाहते हैं, रिश्तेदारी में जा रहे हैं, जानने की कोशिश करें कि इनको कैसा फील हो रहा है रिश्तेदारी में जा रहे हैं। क्या बहुत बड़ा रिस्की चीज है जो नाव में बैठे हैं? नहीं सही है, रिस्की टीम होना चाहिए। देखिए इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर कम से यहाँ पर इस नाव पर देख सकते हैं करीब 14-15 गाड़ी छोटी सी नाव पर लादी गई है। यहाँ पर रेस्क्यू टीम ऑलरेडी होनी चाहिए, कब कौन सा हादसा हो सकता है कोई नहीं जानता है। आप लोग देख सकते हैं कितना अधिकारी है यहाँ पर, एक छोटा सा नाव पर रेस्क्यू टीम सरकार को यहाँ पर रखना जरूरी चाहिए। और हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या चाहते हैं भैया आप, क्या चाहेंगे सरकार से? हम यही चाहेंगे यहाँ पे जल मिल कुछ तैयारी हो, यहाँ पे अधिकारी यहाँ पे आए, यहाँ पे पुल का यानी व्यवस्था हो। यहाँ पर पीपा पुल के जगह ऑलरेडी अगर पीपा पुल के जगह का मात्र 500 के मीटर दूरी है, 500 के मीटर की दूरी पर अगर पक्का पुल बन जाएगा तो 50,000 की आबादी जो रेतावासी मुख्य मार्ग की जो मार झेल रहे हैं वो ऑलरेडी उनका निजात हो जाएगा। और बात करने की कोशिश और लोगों से, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? भैसा से कहाँ जा रहे हैं आप? रिश्तेदारी में जा रहे हैं का? क्या चाहते हैं आप, सरकार से कुछ मांगना चाहते हैं आप इस स्थिति देखते हुए? स्थिति क्या, वही जो चार पीपा पुल लगना है वही लगवा दीजिए, क्या सुविधाएंगे? देखिए आप सभी लोगों को मैं बात कराने की कोशिश करूंगा, आप देख सकते हैं नाव मालिक हैं, हम इनसे भी बात कराना चाहेंगे। हेलो हेलो भैया, हाँ देखिए माझी जी आप भी बात आइए, ये माझी हाँ ये माझी, हम इनसे भी बात करने की कोशिश, इधर ताकि इधर कैमरा तरफ ताकि देखिए भैया कुछ बोल रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश बोलिए। देखिए भैया ऑलरेडी मैं यही कहूंगा कि कम से कम सरकार को यहाँ पर 500 मीटर की दूरी जो है कम से यहाँ पर पक्का पुल का निर्माण करा दे, जो कि 50,000 की आबादी रहता है उस पर, दो जिले के लोग रहते हैं, उन लोग के लिए ऑलरेडी हमेशा के लिए जो बच्चे लोगों का भविष्य खराब हो रहा है वो भी सुधर जाएगा, उन लोगों का भी सुधर जाएगा भविष्य। और आप लोग से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बाकी यहाँ के सांसद विधायक मुख्यमंत्री और यहाँ का जो मुख्य प्रतिनिधि लोग हैं उन लोग के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, बाकी इस वीडियो का अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।